अस्सलाम वालेकुम जी, सब दवाम वेलकम मेरे चैनल पे। एक भाई का सवाल सी कि जेडे लोग स्पेन दे विच वर्क परमिट ते आंदे ने, आके इत्थे कुछ महीने काम करते ने, गून ना दी आके मालिक दे नाल नहीं बनती है, तो समझते ने कि असी किसी होर जगह ते काम कर लिए। तो उन्हों का सवाल है सी, क्योंकि जदों आमदे ने उन्होंने 1 साल का कार्ड मिलता है, तो सवाल है सी कि अगर वो मालिक चेंज कर लेंगे ने तो फिर अगू उन्होंने नैक्सट रिन्यू होवनगे, क्योंकि रिन्यू जो पेपर होंगे ने तो फिर 4 साल का स्पेन कार्ड लगता है। तो वो सवाल है सी कि क्या अगू कार्ड रिन्यूअल विच ते कोई मसला तो नहीं होगा ना। हूँ इसका जवाब ऐसा ऐसा ही होंगे है, नॉर्मली 90-95% चांसेस तो यही होंगे ने, कोई इशू नहीं बनता, मेजॉरिटी का कोई इशू भी नहीं बनता ना। सेम ही क्वेश्चन है होंगे कि जो कोई भी बंदा राइको दे पेपर लेंदा 3 साल बाद, उसकी भी सेम ही कंडीशन होती है, कंट्रैक्ट के उन्हें लाजमी काम करना होंगे ना। हूँ बाई का सवाल से कि उन्होंने कुछ 5-6 महीने काम किए हैं, तो मैं तो सबनों रिकमेंड करना कि अगर थोड़ा गुजारा हो सकता है तो कोशिश करो कि अपना गुजारा करके और साल बाद रिन्यू करके फिर किसी साइड निकल जाओ। लेकिन अगर बाई चांस नहीं गुजारा होता तो कोई एडा वा इशू नहीं है, तुसी किसी होर जगह पर भी काम ढूंढ सकते हो। ए यूरोप अरबा वाला सिस्टम नहीं है कि उत्थे काम वगैरह होता है कि बंदे का ना तो होंगे, तुसी कंपनी चेंज नहीं कर सकते, इतने कोई इशू नहीं है ना। इतने कार्ड भी मिलेगा, जो तुम्हें आजाद कार्ड मिलेगा, उस बंदे का ना वगैरह कोई पिछे नहीं लिखे होता, तुम आजाद होंगे हो और स्पेन के जिते तुम चाहे काम कर सकते हो। हाँ, इशू कदू बनता है, इशू इस तरह बनता है कि मिसाल तौर पर तुम्हें 1 साल का कार्ड मिले और तुम उस मिनिमम 6 महीने तुम काम किए होना चाहिए, और रिन्यूअल के टाइम किसी जगह पर काम करते होवो तो थोड़ा कार्ड और रिन्यू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे को 6 महीने काम नहीं हो सकिया या रिन्यूअल के टाइम को काम का कंट्रैक्ट नहीं है या काम नहीं करता पाया, तो फिर एक्सटर्न एरिया को पूछ सकती है कि हाँ जी तू जब तेरे को काम नहीं तो पूरा कर सकता है, तो पहली जगह पर काम छड़िया गया सी है, तेनों उत्थे तो काम मिलया सी, तो क्यों छड़िया सी, फिर रिन्यूअल रिजेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि वो कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता पे होंगे। लेकिन एक बंदा अगर 6 महीने काम पूरा कर लेंदा है, बल्कि ज़्यादा 8-9-10 महीने काम कर लेंदा है, और उस तो बाद वो रिन्यूअल टाइम पर काम लगे भी करे होंगे किसी होर जगह पर लगे होंगे, तो फिर वास्ते कोई इशू नहीं बनता है, वो खुद वास्ते पेपर इजीली रिन्यू हो जाते हैं। एक्सेप्शन है ही होंगी पता, जे स्टेट्स ने पुलिस स्टेट्स ने, और इतने बार दफा कोई सीट से पैड़ा बंदा बैठे आवे, कोई रेसिस्ट बंदा बैठे आवे, तो वो अलग गल है, लेकिन मेजॉरिटी चांसेस कदम मैं ना ही बड़ा इशू नहीं देखा है कि सिंपल केस में इस छोटी जी बेस उत्ते किसी के पेपर रिजेक्ट हो जाए कि तू आया सी फलान जगह पर काम किया, लेकिन तू 3-4 महीने काम करने तो बाद छड़ दिता है, और उस तो बाद तू नवी जगह पर काम पहले करने लगा कि तुम्हें पेपर नहीं देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तुम बेफिक्र हो कि अगर देखो बेहतर है कि बन जाए तो अच्छी गल, ना बने तो किसी और जगह पर काम कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।